हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनीस द एक्सप्लोरर। आज का जो हमारा लॉग है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लॉग है, जो कि है मुंबई टू शिर्री। शिर्री में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके साथ सब इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि बॉम्बे से शिर्डी आप कैसे जाओगे और बीच बीच में आप कहाँ कहाँ रुक सकते हो। क्योंकि ये वीडियो में देखोगे हम ऑलरेडी कसारा घाट पर आ चुके हैं और अभी कुछ ही देर में हम जो स्टॉप करेंगे, फर्स्ट स्टॉप वो है घाटन देवी। घाटन देवी पे बहुत लोग स्टॉप करते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो जस्ट आगे हमारा लेफ्ट में, आपको लेफ्ट साइड ही आता है ये। जब आप शिर्डी की तरफ जाते हो नासिक रोड पे, ये आपको लेफ्ट साइड में जैसे ही आपके घाट ख़त्म होते हैं आपको ये घाटन देवी का मंदिर आता है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, माता का मंदिर है। अगर आपको मौका मिलता है तो यहाँ पर भी आप ज़रूर रुक के जाइए। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं जो कि है शिर्डी की तरफ। और यहाँ पर जो हमारा अभी टोल आता है, टोल चार्जेस जो हैं मेन गोटी तक का, वो है 135 रुपीज़, जो कि कटते हैं आपके डायरेक्टली फास्ट टैग से। तो मेक श्योर आप जब भी जा रहे हो आपका फास्ट टैग में लोड होना चाहिए, तो आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। तो जैसे ही आप गोटी वाला टोल क्रॉस करते हो गाइस, मेक श्योर आपको ध्यान देना है, जैसे ही आपका गोटी टोल क्रॉस होगा आपको थोड़ा ही आगे जाके टर्न आता है जो कि है सिन्नर और गोटी। मतलब वहाँ से आपको शिर्डी जाने में काफ़ी किलोमीटर्स कम हो जाते हैं, मतलब वो काफ़ी शॉर्टकट पड़ जाता है। अगर आप नासिक घूम के जाओगे तो आपको बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता है। तो आप ये देखेंगे, ये जस्ट हमने टोल क्रॉस किया है और टोल क्रॉस करते ही हम थोड़ी ही देर में देखेंगे आपको राइट टर्न दिखाया जाएगा। आप ये जगह भी देखोगे, रास्ते काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए हमारा आ गया गोटी के बाद, तो हम ये यहाँ से राइट टर्न कर लेंगे। कुछ टाइम पहले तक ये रोड बहुत ख़राब हुआ करता था, बट अभी आप अगर ये रोड से जाते हो तो आई कैन अश्योर यू गाइज, ये वीडियो अभी ही बना हुआ है, ये पुराना नहीं है। इसमें आपको जस्ट एक जगह पे कुछ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो एक हार्डली एक किलोमीटर तक का रास्ता थोड़ा ख़राब है, वरना बाकी सब ब्यूटीफुल है। गोटी में आप जब भी जाते हो तो गोटी वाले रास्ते पे आपको ये भी एक ब्यूटीफुल सा मंदिर आता है, जो कि है कुबेर का, कुबेर लक्ष्मी का मंदिर, जो आपने अभी देखा कुबेर जी की मूर्ति भी थी। बहुत ब्यूटीफुल सा मंदिर है, अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। ये घाट आते हैं आपको गोटी के घाट्स हैं, गोटी घाट्स ये काफ़ी छोटे घाट्स हैं। और जैसे आप गोटी क्रॉस कर देते हो आप ये रास्ते पर आ जाते हो गोटी सिन्नर। ये रास्ता कुछ समय पहले बन रहा था, काफ़ी समय तक बन रहा था, बट अभी बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुका है। और इस रास्ते पे मतलब आई मस्ट से, आप जैसे ही ड्राइविंग करना चालू कर दोगे तो आई होप कि भाई कुछ सालों बाद पूरा का पूरा रास्ता अगर ऐसे मिलेगा तो हमें कहीं भी इंडिया में जाने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ड्राइविंग इतनी आसान हो जाएगी अगर सब रोड्स इतने अच्छे रहे तो। बट ऑफ कोर्स अगर हम ऐसे कुछ रास्तों पे जाते हैं तो हमें टोल ज़रूर लगता है। तो ये रास्ते पे भी अभी टोल लग चुका है, जो कि था 75 रुपीज़ हमें वहाँ से लगा, क्योंकि हम बीच में से एंटर किए हैं तो हमें सिर्फ 75 लगे। तो गाइस हम अभी शिर्डी पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर बाकी है। पर जैसे ही हमने शिर्डी में टच डाउन किया और यहाँ पे बारिश चालू हो गई, तो आई डोंट नो कि हम शिर्डी के लिए जो लेके आए बारिश वो अच्छी है कि नहीं, बट इस समय मौसम बहुत मतलब बहुत ही प्यारा हो रखा है। आई विश इफ यू ऑल कैन एंजॉय द सेम मोमेंट विद अस इन शिर्डी, सो एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। तो गाइस जो ये रास्ता आप देख रहे हैं इसे कहते हैं शिप रोड। शिप रोड ये वाले रोड पे आपको सब मेजर होटल्स आ रखी हैं, आप चाहे वो सनैन सैंडो, ऐसे सब जो भी मेजर बड़ी बड़ी होटल्स हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 1 star to 5 star, यू हैव ऑल द होटल्स सिचुएटेड इन दिस एरिया। ये एरिया मंदिर से काफी वॉकेबल डिस्टेंस पे है, यहाँ से आपको मंदिर जाने में कुछ ही, कोई कोई होटल से आपको ले जाइए आपको 100 meters लगेंगे, अप टू 500 meters आपको लग जाते हैं, आप वॉकिंग डिस्टेंस मंदिर तक कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ से मेजोरिटी जो ज्यादा होटल्स हैं जो 3 stars एंड अबव हैं, वो आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी देती है मंदिर की बैक साइड पे।
तो गाइस इस बार जो हमने होटल सेलेक्ट की है वो ये है होटल साई श्री, जो कि क्रूस्तान ग्रुप की होटल है। अभी रिसेंटली रेनोवेट भी हुई है तो होटल के रूम काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अगर आप एक इकोनॉमिकल ट्रिप देख रहे हैं, स्टे देख रहे हैं, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस होटल टू यू। We got the room number 104. आपको अपनी की यहाँ पे डालनी है एंड देन ये आपका एंट्रेंस रूम का। रूम साइज काफ़ी अच्छी है, आपको एक LED TV दिया हुआ है, देन यू हैव अ वार्डरोब, आपको विंडो भी दी है यहाँ पे, एंड यू कैन सी द पार्किंग। आई थिंक ये पार्किंग किसी और की, हमारी पार्किंग अलग है। एंड देन रूम में आपको काफ़ी अच्छी डेकोरेशन दी हुई है, बेड इज क्वाइट डिसेंट, मतलब इसकी साइज़ जो है आपको क्वीन साइज बेड है। देन आपको यहाँ पे एक टेबल एंड टू चेयर्स भी दिए हुए हैं, ब्यूटीफुल। एंड देन आपको यहाँ पे हर एक रूम में इनको एक साईं बाबा का एक अच्छा सा ऐसे फ्रेम लगा हुआ है। द होटल सीम्स वेरी गुड। मैंने ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का लिया है क्योंकि अनीश इज ऑल्सो विथ मी, अनीश मेरा बच्चा भी साथ में, तो वी डिसाइडेड कि हमें विल टेक द ट्रिपल ऑक्यूपेंसी। तो मैं आपको रूम का यहाँ से दिखा देता हूँ परफेक्ट से, ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐसा है। एंड देन देखते हैं बाथरूम। ओके, बाथरूम क्लीन, आपको मिरर दिया हुआ है यहाँ पे काफी बड़ा सा, एंड देन आपको शॉवर है, फिटिंग्स अच्छी है, एंड देन यू हैव वेंट वेंटिलेशन, इंग्लिश बाथरूम है आपको एग्जैक्टली। देन आपको ऐसा आपकी एग्जिट सामने आ जाती है, देयर यू गो। एयर कंडीशन यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज है, आपको एयर कंडीशन का भी इशू नहीं है, आपको पर्सनली चालू नहीं करना। देन यू हैव कंट्रोलर, आपको यहाँ पे कंट्रोलर दिया हुआ है, आपको कम ज़्यादा करना है तो आप खुद से इसको कंट्रोल कर सकते हो। ब्लू स्टार की अच्छी लगी हुई है। एंड देन ये देखिए ब्यूटीफुल साईं, श्री साईं साईनाथ। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ वार्डरोब, ये देखिए Nice. हम आपके साथ ये सब शेयर कर रहे हैं क्योंकि पर्सनली हम ट्रैवल लॉग्स बनाना चाहते हैं, हम बनाते भी हैं, कुछ होटल्स में स्पेसिफिक रूम्स सिखाते हैं कि उनके रूम्स कैसे हैं। तो इनका जो है काफ़ी अच्छा है, बजट फ्रेंडली है। जो प्राइस हमने पे की है इस रूम के हिसाब से अमर से, दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी इकोनॉमिकल। शिरडी में आपको वॉकिंग डिस्टेंस मंदिर के पास में अगर आप बात करोगे तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। तो गाइस जो हमें अपॉइंटमेंट मिली है दर्शन की, वो मिली है 8 o'clock की। 8 o'clock हमने जो लिया है वो 200 rupees वाला दर्शन यहाँ पे होता है। ऑनलाइन आप उसकी बुकिंग कर सकते हो, डिपेंडिंग वहाँ पे कुछ स्लॉट्स रहते हैं, बट वहाँ पे आपको ऐसे तीन गेट्स हैं, तीन चार गेट्स हैं, आप तीन चार गेट में से कहीं गेट नंबर 1 उसको PRO ऑफिस बोलते हैं, वहाँ से आपको एंटर करना है, जो कि एक्चुअली ऑल द वे फ्रंट साइड में आता है। वो फ्रंट साइड से हमें, तो हमें ऑल द वे वहाँ से वॉक करके जाना है, और जहाँ पे हमने होटल स्टे लिया हुआ है वो जस्ट थोड़ा ही पीछे है। और यहाँ पे हर आपको टाइप के फूड मिल जाते हैं, आपको सब ऑप्शन है खाने के, बट मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। सो फ़ोन अभी कुछ ही देर में हमें वहाँ पर डिपॉजिट करना है। तो गाइस यहाँ पर आपको जो लड्डू प्रसाद रहता है वो यहाँ से आप आके ले सकते हैं, ये देखिए मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये वाले कुछ 25 rupees के 3 लड्डू मिलते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो छोटे लड्डू हैं 10 rupees के 2। तो गाइस ये है एंट्रेंस, गेट नंबर 2, यहाँ से आपको अंदर एंट्री मिलती है गेट नंबर 2 की। एंड यहाँ पे आपको अगर एक शॉपिंग वगैरह चाहिए तो आपको शॉपिंग वगैरह भी मिल जाती है यहाँ पे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइडल्स मिल जाते हैं। मैं आपको गेट नंबर 3 भी दिखा देता हूँ, और वहाँ पे पीछे आपको द्वारका माई और चावेरी भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आपको संस्था की तरफ से, मतलब साई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, साई ना ट्रस्ट की जो है, यहाँ पे आपको ये कैंटीन है, जिस कैंटीन में आपको सब चीजें बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में मिलती हैं। अगर आप देखेंगे तो चाय आपको 2 रुपए, कॉफी 3 रुपए, मिल्क का ग्लास जो मिलता है 3, और मिनरल वाटर 10 रुपीज, छोटी बॉटल 5 रुपीज की। तो ये कैंटीन गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2 के बीच में ही है। एंड देन आपको ये है एक दूसरा लड्डू प्रसाद का काउंटर, जहाँ पे 10 रुपीज के 2 छोटे हैं। गाइस ये है गेट नंबर 3। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं शिरडी में, और अगर वो खुद से वॉक कर सकते हैं, तो आप उनको सीनियर सिटीजन लाइन से भेज सकते हैं, जो कि गेट नंबर 3 से जाता है। गेट नंबर 3 से सीनियर सिटीजन्स के लिए क्यू नहीं है, उनका दर्शन हार्डली 10 मिनट में हो जाता है, तो वो आता है यहाँ से गेट नंबर 3 से। मंदिर के पीछे की साइड में जो है आपको द्वारका माई है, चावेरी है, और ये रास्ता आपको सीधा पीछे लेट करता है। यहाँ पे बजरंग बली का भी मंदिर है, आप देख सकते हैं। जय श्री राम। यहाँ से अगर आप एक गार्डन पास में आ रहे हैं, तो यहाँ से आप मुख दर्शन भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मुख दर्शन मिल जाता है। सो गाइस आप ये देख पा रहे हैं, ये है चावड़ी। इसमें 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन है लेडीज के लिए और एक सेक्शन है जेंट्स के लिए। इसमें लेडीज में लेडीज और जेंट्स में जेंट्स ही जाएंगे। ये देखिए, एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगी हाजी अब्दुल्ला बाबा की कॉटेज। चलो एंड देन यहाँ पर जो हम पहुंचे हैं अभी द्वारका माई पे। अगर आप शिरडी आए हो बाबा के दर्शन के बाद, आपको द्वारका माई के दर्शन भी करना एकदम जरूरी होता है। और जैसे कि मैंने कहा, आपको यहाँ पे शॉपिंग जगह जगह मिलेगी, आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। और ये है हमारा द्वारका माई। इसके राइट पीछे आपको मंदिर का दर्शन भी मिलते हैं, बाबा जी के भी दर्शन मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर वो पत्थर रखा हुआ है जहाँ पे बाबा जी बैठते थे, तो ये वाली मूर्ति के नीचे एग्जैक्ट आपको वही पत्थर मिलेगा। और वहाँ पर यहाँ पे बाबा जी का जो बोलते हैं, जहाँ पे हमेशा ही आपको आग मिलती ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। बट हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, हम यहाँ से जाएंगे वनी देवी, जो कि अगेन नासिक से थोड़ा ही आगे पड़ता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में वहाँ पे छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी क्लिक करना ना भूलें, तो आपको हमारे अगले वीडियोस की अपडेट्स आती रहेंगी। और साथ में हमारी प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको ढेर सारे अलग अलग वीडियोज़ हैं, जो कि कुछ कुकिंग हैं, अनबॉक्सिंग हैं, एंड वहाँ पर कुछ एंटरटेनमेंट वाले भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।